पहाड़ी क्षेत्रों में अपना रौद्र रूप दिखाने वाली महाकाली नदी तराई क्षेत्रों में आने पर शांति से बहती है, जिसके चलते इसको मां शारदा नदी कहकर भी पुकारा जाता है। लेकिन बारिश के चलते नदी में कई धाराओं का पानी मिलने से शारदा नदी भी इस समय बह रही है। ऐसे में नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी उफान पर आ गई है। तेजी से बढ़ते शारदा नदी के जल स्तर को देखते हुए बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बीती रात से ही नदी का जल स्तर बढ़ते हुए 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गया है। ऐसे में शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बैराज पर तैनात यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बनबसा बैराज से होकर जाने वाला पानी इस समय 1,41,000 क्यूसेक चल रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आगे जाने पर यूपी के सीमांत पीलीभीत लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है। इस स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग ने डाउनस्ट्रीम जिले के अधिकारियों को शारदा बैराज से पानी छोड़े जाने की सूचना दे दी है। साथ ही विभाग लगातार नदी के जल स्तर पर नजर भी बनाए हुए है। अत्यधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज पर 1 लाख से ज्यादा पानी चलने लगा, जिसके कारण यहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। अभी 1,41,000 डिस्चार्ज शारदा बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। संबंधित जिलों को सूचित कर दिया गया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में जाके घाघरा नदी में मिल जाती है। वहां से ये गोंडा बहराइच बलरामपुर होते हुए आगे रिवर में जाती मिल जाती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।